एक वेद ऐसा है जो संगीत दी गल करदा है, और एक वेद ऐसा है जिस दे विच आयुर्वेदिक ज्ञान है पूरे वेद विच, और एक वेद ऐसा है जिस विच प्रभु दी स्तुति की गई है। चार वेद, एक विच प्रभु दे गीत गाए ने, दूजे दे विच आयुर्वेदिक ज्ञान है, तीजे दे विच संगीत दा ज्ञान, ते चौथे विच कर्म कांड, कदम कदम ते कर्म कांड, कदम कदम ते। मैं इत्थे तक भी अर्ज करा कि कर्म कांड इतने गहरे तल ते पहुँच गए ने कि फिर समय दी जिहड़ी खेड है कहण दा भाव, जेकर 11 बजे हन तां की करना है, जे 12 बजे हन तां की करना है, इतने गहरे तल ते पहुँचे हुए ने। और एक मैं होर अर्ज करा, कई बार कई दफा जदों असी अखंड पाठ साहिब दा भोग पाने हाँ तां कह दिंदे हाँ 12 बजे तों पहलां पहलां भोग पाना है ज्ञानी जी, ते जे पुछ लवो 11 बजे तों पहलां पहलां इसदा की कारण है, तां कहिंदे ने फिर 12 बजे तों बाद तां मृतक दा भोग पैंदा है, इस तरह कह दिंदे ने, 12 बजे तों बाद मृतक दा भोग पैंदा है। ते फिर मजबूरन 12 बजे तों भावें 5 मिनट पहलां भोग पा दवो, समाप्ति कर दो। कितने गहरे तल ते भरम है साडे जीवन विच, पर नहीं, अखंड पाठ साहिब जी रखना है ते उहदे विच कितनी स्पीड आउंदी है, ते गुस्ताखी माफ करना, ना पढ़न वाले नूं समझ ना सुनन वाले नूं समझ बाणी की कह रही है। बस भोग पाना है ठीक टाइम ते। जदों गुरबाणी दे बोल ही समझ नहीं आ रहे ने और स्पीड विच असी कर रहे हां, बस इतने घंटियां दे विच संपूर्ण करना है। पर जिवें जिवें असी बाणी समझदे हां, क्योंकि कुछ समा पहला तो असी मद की भी अरदास करते कि हुण मद आ गया, ते मद दा असी शब्द भी पढ़ते सी, आद पूरन मद पूरन अंत पूरन परमेश्वर, ये मद आ गया, ते ये शब्द आउंदा है 705 अंग ते धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच कितने अंग हन, 1430। जदों 1430 हन ते फिर मद कित्थे आना चाहीदा है, 715 ते, फिर 705 ते ये शब्द आ रहा है, ते फिर असी कह दिंदे आ यही मद है। पर जदों इस दा भाव समझिया ते धन गुरु अर्जन देव साहिब जी की फरमा रहे ने, कहिंदे ने परमात्मा आद पूरन, आद तों परमात्मा पूरन है, उहदे विच कोई उकाई नहीं है, कोई घाट नहीं है, कोई अधूरापन नहीं है, आद पूरन। ते उस तों बाद फिर कहिंदे ने मध पूरन, भाव विचकार जिहड़ा समां बीत गया, जदों युगां दी अरमता नहीं हुई सी परमात्मा उदों भी पूरन सी, जदों युगां दी अरमता हुई परमात्मा उदों भी पूरन सी, और कहिंदे ने अंत तक परमात्मा पूरन होवेगा, अंत पूरन परमेश्वर है। हुण इत्थे अखंड पाठ साहिब दे मद दी गल कित्थों आ गई, कुछ भी नहीं है। पर इह तां जिवें जिवें समझ आंदी गई तिवें तिवें फिर कह दिता, पर वह वक्री गल है जदों संगत बैठी है गुरबाणी का पाठ सुन रही है, तो फिर वह वक्री गल है कि कड़ा प्रसाद की देग बना के आनंद साहब पढ़ के ते फिर वह देग वंड दो, वह जरूरी है क्योंकि संगत बैठी होंदी है। पर मद की अरदास कहण दा भाव, जे 12 बजे तो पहला भोग पा दिता है ठीक है, 12 बजे तो बाद पै गया पाठ लेट हो गया, तो फिर एतराज करते ने ज्ञानी जी ये तो फिर खुशी का भोग तो नहीं होया, तो तुसी मृतक का भोग पा दिता, गुस्से हो जाते हैं, क्रोध करते हैं। तो धन कबीर साहिब जी कहते ने, कबीर संसा दूर कर कागद देह बहाए, बह दे खत्म कर दे, जिस कागज़ ते कर्म कांड लिखे हुए ने वह कागज़ ही साड़ दे, वह कागज़ ही बह दे,
फिर की करिए, 52 अक्षर सोध कै हर चरनी चित लाए। 52 अक्षर सोध कै कि जितना भी साहित्य लिखिया हुआ है, जितनी भी रचनावान वो 52 अक्षरों के विचकार ने, ते तो ये सारी दी सारी रचनावां पढ़ के विचार करके और अखीर विच तो इस मुकाम ते पहुँच कि प्रभु दा नाम ही सब तो उत्तम है, बाकी कोई परम नहीं करना, कोई शंका नहीं करनी। जदों प्रभु दे सिमरन दे नाल जुड़ गए, फिर मनुख दी जिहड़ी अवस्था है वह किस तरह की उच्ची होंदी है ये देखना, कि ऐसे मनुख दे आले दुआले कितने ही कर्मकांडी पुरुष बैठे होन, कितने ही भरमी वहमी बैठे होन, उन्हां ते कोई असर नहीं पैंदा। ते कबीर साहिब इस तरह कहंदे ने, कबीर संत न छाड़े संत ही जो कोटक मिले असंत। जो संत है वह स्वभाव पक गया, फिर वो अपना स्वभाव नहीं छड़दा, भावें कोटक कोटक कहंदे हन, करोड़ा ही उसनों असंत मिल जान, करोड़ा ही उसनों अनाड़ी पुरुष मिल जान, करोड़ों की गिनती दे विच उसनों मनमुख मिल जान, पर वो अपना स्वभाव नहीं छड़ेगा। हुण आप जी नूं खबर है, ये मैं गाथा अर्ज करा, स्याणे बुजुर्ग भी कहंदे ने सुणांदे ने कि कोई मनुख जा रहा है नदी पार पई करदा है, ते ओ की वेखदा है कि एक बहुत ही जहरीला कीट पानी दे विच डुब रहा है, जिसनों बिच्छू कहंदे हैं, वो डुब रहा है, ते उसनों वो संत बाहर कढ़दा है। वो जिवें ही बाहर कढ़न की कोशिश करदा है, वो बिच्छू फिर उसनों डंग मारदा है, ते उहदी हथेली चों वो निकल जांदा है, डिग पैंदा है पानी दे विच, वो फिर डुबदा है, संत पुरुष फिर उसनों कढ़दा है। तो कितनी ही दफा वह डंग मारदा है, कितने ही दफा पानी विच गिरदा है, और अखीर विच उसनों फिर वह बाहर कढ़ देंदा है। तो कोई मनुख कहंदा है उस संत नूं कि आप जी उसनों बचाउण की कोशिश करदे हो, वह वार वार आप जी नूं डंग पई मारदा है, लेकिन फिर भी आप जी उसनों कढ़दे हो, तो वह संत की कहंदा है कि प्रभु ने उसका सुभाव बनाया है, डंग मारन दा प्रभु ने मेरा स्वभाव बनाया है, किसी ने बचाण दा। जदों वो अपना स्वभाव नहीं छड़दा डंग मारन दा, मैं अपना स्वभाव किस तरह छड़ दवां किसी ने बचाण दा। ते ये भी हो सकता है कि परमात्मा अज पेपर ले रहा होवे, ये भी हो सकता है कि संत अपना स्वभाव छड़दा है, जा फिर वह बिच्छू अपना स्वभाव छड़दा है। जब बिच्छू ने स्वभाव नहीं छड़िया अपना, तो फिर मैं किस तरह छड़ दवां। तो धन कबीर साहिब जी कहंदे हन, मलियागर भयंगम बेढ़ियो ते शीतलता ना तजंत। मलियागिर पर्वत, ते उस पर्वत ते चंदन दे दरखत बहुत सारे ने, मलियागिरी पर्वत, ते चंदन दे हर एक दरखत नूं बहुत जहरीले सप लपेटा मार के रखदे ने, बहुत जहरीले सप। पर कहंदे ने जिवें जिवें उन्हां दे शरीर दे विच जहर भर जांदा है, वह खुद भी अपने जहर तों दुखी हो जांदे ने सप। और धन गुरु अर्जन देव साहिब ने बाणी विच ए संकेत भी कीता है, ते आप जी की फरमाउंदे ने कि जिहड़ा मनुख सिमरन नहीं करदा, बंदगी नहीं करदा, ते उस दी जिहड़ी आरजा है वह किस तरह बतीत होंदी। आप जी कहंदे ने, सर्प जैसे अरजारी। उस मनुख दी जिहड़ी आरजा है वह सप वांगू बतीत हो रही है, ते सप वांगू किस तरह, कहंदे ने जदों सप दे मुख विच जिहड़ी थैली है उहदे विच जहर जदों भर जांदा है, ते अपने ही जहर तों औखा हो जांदा है,
औखा हो जाता है। फिर वह फंकार मारदा है तो वह अपना जहर कढ़दा है। जदों उसका जहर बाहर आ गया फिर वह शांत हो जाता है। जिस मनुख के जीवन विच प्रभु का सिमरन नहीं है कहिंदे ने उसके शरीर विच भी विकार रूपी जहर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर उस जहर तो वह खुद भी औखा होता है, खुद भी दुखी होता है। मैं अर्ज कर रहा सी कितने ही सब चंदन दे दरखत नूं लपेटा मार के रखते ने ते अपना जहर भी फैलांदे ने, पर कबीर साहब जी की कहंदे ने मलयागर भयंगम बेढ़ियो ते शीतलता ना तजंत। जिहड़े चंदन दे बूटे ने चंदन दे दरखत ने वो अपने शीतलता कदे भी नहीं छड्डदे, कदे भी नहीं। भावें जहरीले सब जहर भी फैलांदे ने पर फिर भी चंदन शीतल है, शीतल है। साहिब जी कहंदे ने हे प्राणी तो अपना सुभाव इस तरह का मजबूत बना ले जिवें चंदन का दरखत है। जे कितने ही ऐसे लोग जिन्हां दा जीवन सप वांगू जहरीला है, क्रोधी हन, लोभी हन, हंकारी हन, निंदक हन, भावें कितना भी जहर भरिया होवे और ऐसे लोगों की संगत विच तैनू रहना पै जाए तो तू फिर अपने आप नू उसी तरह बचा के रख जिवें चंदन का दरखत है। तो उन्हां दा जिहड़ा जहर है वह तो स्वीकार ही ना कर, स्वीकार ही ना कर। मैनू एक गल चेते आ गई, मैं अर्ज करा गल समझ आ जाए। एक दफा एक संत पुरुष अपनी संगत दे नाल जा रहा सी तां एक मनुख ने की कीता, थाल दे विच बहुत सारे मिठे पदार्थ पा के ते महापुरशां नूं भेंट कीता, महाराज इस नूं कबूल करो, प्रवान करो। महापुरशां ने की कीता, कहण लगे कि जिस घर चों असीं निकले हाँ लंगर छक के निकले हाँ, आप जी कृपा करो ये पूरे दा पूरा थाल जो मिठियाई दे नाल भरिया होया है इस नूं जां तां वंड दवो जां फिर तुसीं घर ले जाओ। ते जदों वो वंडन लगे ता जितनी भी संगत सी उन्हां सारियां ने हथ बन लए, कहण लगे असी सारिया ने लंगर छके आए, असी कुछ भी नहीं लवांगे, ये तुसी कर ही ले जाओ। ते ओ मनुख कर लैंदा है अपने पिंड विच वंड दियांगा। थोड़ा होर अगे गया संत पुरुष तो किसी मनुख ने उस संत दा विरोध कीता, अपशब्द बोले, गालां कढ़ियां, ते संत जी ठहर गए। वो मनुख बोलता रहा जो कुछ भी कहना सी ऊल जलूल वो कहता रहा, बोलता रहा। ते संत पुरुष हंस पे और हंसते हुए की कहंदे ने भाई मित्रा तेरे तो पहला एक मनुख ने थाल पेंट कीता सी, उस दे विच बहुत मिठे पदार्थ सी, ते असी वो थाल कबूल नहीं कीता, वो अपने घर ही लै गया वंडन वास्ते। हुण एक थाल तू भेंट कीता है ते इस दे विच मिठे पदार्थ तो नहीं हन, कौड़े पदार्थ हन, ते भाई असी इस नूं भी कबूल नहीं करदे, कृपा करके अपने घर वंड देना, क्योंकि असी कबूल ही नहीं कीता, ना वो कबूल कीता ना असी ये कबूल कीता। ते जदों असी कबूल नहीं कीता तो फिर तुसी की करोगे, कित्थे तो वंडोगे, मैं कबूल नहीं कीता तो तुसी किसे होर नूं वंड देना। ते वो मनुख सोच ही पै गया जदों महापुरशां ने कहा भी तेरी ये गल मैं कबूल नहीं करदा। ते वो मनुख तो शर्मिंदगी महसूस करदा। जदों महापुरश जान लगे तो वह मनुख उन्हां दे चरणां ते डिग पिया, कहण लगे महाराज उदों तक नहीं जान देंगा जदों तक अपने वर्गा जीवन मेरा नहीं बनाओगे, अपने वर्गा जीवन
इतना प्यारा जीवन कि मैं इतनी गालां कढ़िया ने आप जी नूं ते आप जी नूं क्रोध नहीं आया, उसे शांत मुद्रा दे विच आप जी खड़े रहे ते मेरे ते रहमत करो, मेरा भी जीवन ऐसा बनाओ। ते महापुरुष हंस पाए, हंसते हुए कहंदे ने कि जे किधरे मैं तेनों तेरी गल का जवाब उसे तरह देंदा ते हुण इह गल तूं कदे भी ना कहंदा मैनू, पर मेरा फर्ज सी तेरा जीवन बनाना, हर एक दा जीवन बनाना, क्योंकि संत आउंदे ही इसे करके ने। कबीर साहब जी ने कहा सी, कबीर सेवा को दोऊं भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुकत का, संत जपावे नाम। उन्हां दा मनोरथ ही इक्को ही है, इक्को ही मनोरथ है, आप भी जपना ते संगतां नूं भी कहना तुसीं भी निरंकार दे नाल जुड़ो, अपने नाल नहीं जोड़ना, निरंकार दे नाल, रब दे नाल। तो धन कबीर साहब जी कहंदे ने कि जिवें जिवें असीं प्रभु दे नाल जुड़े, प्रभु दे गीत गाए, कबीर मन शीतल भया, पाया ब्रह्म ज्ञान। अज जेकर मैं इस तरह अर्ज करां कि तृष्णा दी अगन इतनी अगन है, ताकतवर, कि हर एक मनुख सड़ रहा है उस अग दे विच, जां क्रोध दी अगन, ये भी अगन है, हंकार दी अगन, ये भी अगन है, निंदा दी अगन, ये भी अगन है, ईर्षा दी अगन, ये भी अगन है, और हर एक मनुख अगन दे विच सड़ रहा है, गुरमुखां नूं छड़ के हर एक मनुख तड़फ रहा है। जेकर तू एक मकान बना लिया, मैं दो बनाने ने, जेकर तू कीमती कार लै ली है, तेरे तो भी चंगी कीमती कार मैं लेनी है, तू इतना धन इकट्ठा किया है, तेरे तो वध मैं इकट्ठा करना है धन। पर गुस्ताखी माफ, ये कोई नहीं कहता कि तू रोज एक घंटा सिमरन करता है, मैं दो घंटे करने ने, ये कोई नहीं कहता। तू रोज गुरु घर दे विच हाजरी भरदा है, मैं भी अज तो बाद हाजरी भरनी है, ये नहीं कहते। पर होड़ इस दी लगी हुई है। सियाणे पुरुष की कहंदे ने कि जेकर तू होड़ करनी है तो फिर गुरमुखां दी कर, साधुआं दी कर, कि जिस मंजिले मकसूद ते तू पहुँच गया, और मैं भी गुरु के चरणों विच अर्ज करनी है, मैं भी पहुँचना है, मैनू भी चाहत है। तो कबीर साहब जी कहंदे ने, कबीर मन शीतल भया, पाया ब्रह्म ज्ञान। ते हुण इत्थे एक इशारा भी है कि कबीर साहब ने ब्रह्म ज्ञान हासिल कीता, आप ब्रह्म ज्ञानी सन, और कई थां ते आप जी ने यह भी लिख दिता कि राम कबीरा एक भय, और अपनी ही जुबान दे नाल कह दिता कबीर साहब ने कि कबीर राम बन गए ने और राम कबीर इक्को ही हो गए ने। हुण कितनी वड्डी अवस्था दे मालिक हन, कितनी वड्डी अवस्था। और ओ कबीर साहब जी जो खुद निरंकार दे नाल एकमिक हो गए ने, और ओ कबीर साहब जी ओ प्रसाद साडी चोली विच पा रहे ने, साडी चोली विच पा रहे ने, कि जिस तरह ओ रहमत मेरे ते हुई है, ये तुसी भी लै लो। ते आप जी की कहंदे ने, जिन ज्वाला जग जा रिया, सो जन कह उदक समान। केड़ी अग ने जगत नूं साड़िया होया है? तृष्णा दी अग ने, क्रोध दी अग ने, लोभ दी अग ने, हंकार दी अग ने जगत नूं तबाह कीता होया, जगत सड़ रहा है। इस करके पल पल दे विच मनुख नूं क्रोध आ जांदा है, गुस्सा आ जांदा है, लड़ पैंदे ने। जे छोटी जी गल होई उहदे विच ही झगड़ा। कितनी दफा आप जी ने सुनिया कि किसी की गड्डी किसी दूजे की गड्डी दे नाल टच हो गई है, तो रिवालर कढ के गोली मारती है, इतनी जी गल है। क्रोध दे नाल परे पए ने, क्रोध दे नाल। धन कबीर साहब जी कहंदे ने कि जिस ज्वाला ने मनुख नूं तबाह कर दिता, उही ज्वाला मेरे वास्ते अमृत बन गई, ठंडक बन गई। जिहड़ी तृष्णा दी अग मनुख नूं तबाह पई करदी सी, उही तृष्णा दी अग हुण शांत हो गई, मेरे जीवन विच
वो अग नहीं है, कबीर साहब जी कह रहे हैं। हुण जिवें जिवें प्रभु नूं गाया ते परमात्मा ने इतनी वड्डी रहमत की थी कि ये जो पंज विकार हन इन्हां नूं किस तरह वश विच करना है वो जुगती मैनूं सिखा दित्ती। किस तरह सिखाई? कबीर साहब जी कहिंदे ने कि प्रभु दी जिहड़ी बणतर है, कुदरत है, उसनों एक परमात्मा जानदा है, एक उहदा भगत जानदा है। करते की मित करता जाने, कह जाने गुरु सूरा। करते दी जिहड़ी मित है, कुदरत है, करता जानदा है जां फिर उहदा भगत जानदा है, उहदा सेवक जानदा है। तो कबीर साहब जी इस तरह कहिंदे ने, कबीर सारी सिरजनहार की जाने नाही कोय। परमात्मा दी जिहड़ी कुदरत है, सारी सारी कहिंदे हन कुदरत नूं, सिरजनहार दी जिहड़ी कुदरत है, जाने नाही कोय, कह जाने आपन धनी, कह दास दीवानी होए। इस कुदरत नूं परमात्मा जानदा है जां फिर परमात्मा दा भगत जानदा है, साधु जानदा है। हुण जिहड़ा मनुख साधु बन गया, जिहड़ा मनुख गुरु दे नाल जुड़ गया, ते कबीर साहब जी कहिंदे ने कि फिर उहदे कोल जुगती है कि इन्हां विकारां तों किस तरह बचना है, किस तरह बचना है। ये जितने भी विकार ने, कहिंदे ने जेकर कोई मनुख चाहे कि मैं इन्हां दे नाल नाल मुकाबला करां, कहिंदे ने बड़ा औखा है, क्योंकि सारे जगत दे ये पंज ही सिकदार हन। पंज सिकदार धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अगम्मी बोल, सगल सृष्ट कै पंच सिकदार, राम भगत कै पानी हार। जगत दे ये सिकदार हन पंज, पर जिहड़ा राम दा भगत है उहदे दर दे पानी हार हन। फिर अगां चल के की कहिंदे ने कि सारे ही संसार तो ये दान मंगते ने, सगल सृष्ट ते लैवे दान, राम भगत को करें सलाम। बाकी सारियां तो ये दान मंगते ने, टैक्स मंगते ने, पर जो राम दे भगत की वारी आती है उत्थे फिर ये सलाम करते हैं, क्योंकि राम दे भगत नूं क्रोध नहीं आउंदा, हंकार नहीं है, लोभ नहीं है, ईरखा नहीं है। लूट लह साकत पत खोवें, साध जना पग मलमल धोवें। हर एक मनुख दी पत नूं लुट लैंदे ने ये पंज विकार, लेकिन जिहड़ा गुरमुख है उसते पैर धोंदे ने, उहनां नूं फिर इह नमस्कार करदे ने। ते ऐसी अवस्था किस तरह हासिल होंदी है? धन कबीर साहब जी कहिंदे ने कि तूं संगत कर, संगत करदियां, सिमरन करदियां एक ऐसी अवस्था ते तू पहुँचेगा जिस अवस्था का नाम ब्रह्म अवस्था है, तुरिया अवस्था है, चौथा पद है, तीजा नेत्र है, कि उस अवस्था दे विच जगत की समझ आ जाती है, ब्रह्म की समझ आ जाती है। गुरु साहिब जी रहमतां करन। बाकी विचारां कल करांगे। फुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।